अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैंने बिस्किट बनाया और इतना टेस्टी बना ये बिस्किट, पिस्ता बिस्किट, क्या बताएं आपको। तो यहाँ पे आपको भी बनता है बिस्किट बनाने का, तो मेरे बिस्किट बनाने का तरीका देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया। आप ओवन से बेहतर बना सकते हैं, अगर जिनके पास ओवन नहीं है वो कढ़ाई में फ्राई करके बना सकते हैं बिस्किट। तो मैंने भी बिस्किट बनाया घर पे माशाल्लाह से, आप देख लीजिए इसके डिज़ाइन देखिए माशाल्लाह से, आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ मैं, देखिए ना। तो अच्छा चलिए आपको सामान दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया, क्या चीज़ हमने डाला इसमें, बहुत टेस्टी बना ना और मेरी बेटी को पसंद है। तो आप आइए, बोलिए ना, जल्दी आइए, वो शर्मा रही नहीं आ रही। चलिए देखते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो है पिस्ता बिस्किट, वो भी गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे हमने लिया है, देखिए गेहूं का आटा 2 कप है और 1 कप शक्कर लिया है और मैंने 4 से 5 टेबल स्पून तेल लिया है और ये बारीक वाली सूजी है, बिल्कुल दम महीन है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, अगर आपके पास मोटी वाली है तो मिस्त्री के जार में डाल के एक बार चला लेने का। ये है नारियल का बुरादा 4 टेबल स्पून, ये मैंने 2 पिंच नमक लिया है और ये है पिस्ता। तो हम पिस्ता बिस्किट बनाने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले इसमें सारी चीज़ें डाल देते हैं। और इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच, तो वो किधर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखें, हमने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे नमक भी चला गया फटाफट, और नारियल का बुरादा, सूजी एंड तेल। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे दोनों हाथों से आपको इस तरह से करना है, ये देखिए मेरा आटा उड़ गया उधर, इस तरह से, तो जाके जो है ये अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा ना कैसे मिलाना है, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के करना पड़ेगा, तो इसी तरह से आपको करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए बिल्कुल, ये देखिए इसे हम लड्डू बना रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से ये बना हुआ फूट नहीं रहा, तो बिल्कुल इतना ही हमको चाहिए था, परफेक्ट है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता, तो पिस्ता बिस्किट बना रही हूँ तो इसलिए मैं पिस्ता डाल रही हूँ। अगर आप काजू डाल रही हैं, काजू बनाना है काजू बिस्किट, तो काजू डाल दीजिए तो आपका हो जाएगा गुड्डे बिस्किट। तो चलिए अब सर उसके बाद मैं शक्कर को किस तरह से इसमें डालेंगे, तो जो शक्कर उस पर आता है ना थोड़ा थोड़ा, देखो बिस्किट में लगे रहते हैं शक्कर, उस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने बाउल लिया, बाउल में डालेंगे शक्कर और इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप पानी, इसी कप से 1/2 कप पानी लिया है आपके लिए मैं जो है पिस्ता बिस्किट, ये तो इसको हमको मिलाना नहीं है। अब चलिए मैं इसको आटा गूंथती हूँ, ऐसे ही गूंदना है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा शक्कर और पानी के साथ लेकर गूंदूंगी और थोड़ा थोड़ा डालती रहूंगी, इसी तरह से हम गूंदेंगे, थोड़ा सा डालेंगे साइड में रख लेते हैं, इस साइड से हमको डालते बनेगा। ये देखिए हम पानी और शक्कर दोनों ले रहे हैं, ये देखिए। चलिए अब इसी तरह से हम गूंद लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आटा को गूंद लिया है और आटा में पानी आपका कम ज़्यादा भी लग सकता है, अगर आपका जो है पतला आटा है तो परफेक्ट है 1 कप शक्कर 1/2 कप पानी, अगर मोटा आटा है तो 2 चम्मच और लगेगा, तो मेरे में 2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी गया है इसमें। आप इसको दूध से भी गूंद सकते हैं, तो दूध से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 8 से 10 दिन ही चलेगा, और इसको महीना 2 महीना इस तरह से पानी से गूंदेंगे तो रख सकते हैं मेहमानों के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लोई इस तरह से ले लिया है, काट लिया है, अब इसका जो है गोल गोल एक लोई बनाएंगे, तो फिर आपको बेल के दिखाऊंगी जो है। देखिए हमने बेल लिया है, क्या करेंगे इस तरह से छुरी की मदद से इसको काट देंगे, जो फटे हैं वो कट जाएगा, उससे कोई आपका लेना देना नहीं है, इस तरह से आप काट दीजिएगा। ये देखिए इसको साइड से हम निकाल देंगे, इसको वापस से फिर उसी में मिला लेंगे, ये देखा ना आपने कितना मस्त। तो आपको जैसे भी छोटे बड़े रखना है पीस तो इस तरह से आप रख सकती हैं। तो मैं थोड़ा जो है छोटी पीस रख रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा ये लंबा हो गया तो इसको साइड से और निकाल देती हूँ मैं। और चलिए मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइन, इस तरह से आप देख सकती हैं ना, ये देखिए इतना मोटा है बस, और इसके जो है मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से नाइफ से लेने का, इससे हल्के हल्के दबाने का हाथ से, ये बहुत टेस्टी बनता है बिस्किट, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ओवन से अच्छा है कि आप इसमें बनाएंगी ना, ये झटपट हो जाता है, ओवन में 40 से 50 मिनट लग जाता है,
तो ये देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये देखिए डिजाइन आ रहा है ना, ये बहुत टेस्टी बनता है। चलिए इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो है माशाल्लाह से बना लिए हैं, इसके डिजाइन देखे हैं माशाल्लाह से, मैंने दो तरह से बनाया है। तो बहुत आसानी से ये बिस्किट बन जाता, बहुत टेस्टी बनता, जरूर बनाइएगा, महीनों महीनों रख के खाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने तेल रख दिया गरम पे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने तेल रखा, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो ज़्यादा तेल गर्म पे नहीं डालिएगा नहीं तो आपकी ये बिस्किट जल जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके डाल देती हूँ, इसमें 5 से 6 बिस्किट डालूँगी। तो देखिए ऊपर से आपको ब्राउन ब्राउन हल्का हल्का दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा हल्के हाथ से आपको पलटना है। तो यहाँ नाइफ के जरिए मैं पलट रही हूँ, ये देखिए ये, तो अभी इधर थोड़ा सा हुआ है तो मैं इसी तरह से अलट पलट करके सेक लूँगी। ये देखिए मीडियम हीट पे ही आपको बनाना है, ठीक है, नहीं तो आपकी जो है बिस्किट अंदर से खस्ता नहीं बनेगा, फिर आपने कहेंगी आपने बताया ही नहीं। तो यहाँ पे इतना बचा हुआ था तो मैंने इसकी जो है ऐसे ही डाल दिया। तो इसको फ्राई कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे बिस्किट हो गए हैं, आपको पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। तो मैं इसको जो है निकाल लेती हूँ एक एक करके और आराम से निकालेंगे, बहुत खस्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो 5 फ्राई के मसाले से इतना अच्छा और क्रिस्पी बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं शक्कर चमक रही है ना, अभी ये बहुत ज़्यादा हीट गर्म है तो उसको ठंडा होने दे दें, बाकी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मेरे सारे बिस्किट फ्राई हो चुके हैं, इसमें साइनिंग आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल शक्कर भी दिख रही होगी आपको, देखिए ना बीच बीच में, तो बहुत टेस्टी, बहुत यकीन मानिए आप रेडीमेड लाना भूल जाएंगे कभी इस तरह से आप घर पे पिस्ता बिस्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पिस्ता बिस्किट रेडी हो चुका है बनकर माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे होते हैं मेरी वीडियो क्लास, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।